बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चूरा में जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए जा रहे नहर में भारी भ्रष्टाचार की बुआ रही है। लगभग 4 करोड़ का नहर खुद अपनी आप बीती सुना रहा है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार अपनी मनमानी से काम करा रहा है। नहर के निर्माण में ठेकेदार घटिया सीमेंट का इस्तेमाल कर रहा है और यही नहीं, नहर के निर्माण में न सिर्फ घटिया सीमेंट बल्कि उसके जुड़ाई में गिट्टी की जगह बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हो रहा है। मामले में ग्रामीण इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मामले में विरोध करने वाले ग्रामीणों को ठेकेदार द्वारा धमकाने की भी जानकारी लग रही है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने लगातार इसकी शिकायत की है। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे हैं लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। ग्रामीण इस बात से भी नाराज है कि नहर का काम कई बार रुकवा चुके हैं, बावजूद इसके अधिकारियों की लापरवाही के कारण ठेकेदार के हौसले बुलंद है। सर सब चीज 2 नंबर का काम हो रहा है सर, अति गट्टी भी ढंग से और सीमेंट नहीं डला रहा है, सीमेंट भी अति जमा हुआ सीमेंट मतलब सेट किया हुआ सीमेंट डला रहा है और जो कंक्रीट हो रहा है उसमें पत्थर बगल से सीमेंट ऊपर से कंक्रीट करके उसके बाद पत्थर डाल के और अति काम किया जा रहा है, सब लिखा पोता काम हो रहा है। क्या चीज बोल्डर जोड़ा जा रहा है पाइप का उस पर सपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ समझिए कि बहुत सारे घटिया काम चल रहा है सर। यहाँ जो आपका बेस बनाया जा रहा है, बेस जो बोल्डर बीच में डाल करके सीमेंट से 2 तगाड़ी सीमेंट से ढक दे रहे हैं जो कि सीमेंट पूरा जमा हुआ है। और इस मैं अधिकारी को शिकायत किया, एसडीओ साहब से बात हुआ था, मगर एसडीओ साहब और इंजीनियर साहब का कहना है कि अरे आज जैसा चल रहा है चलने दो, तो मैंने उसी तरीके का काम होगा, आप लोग शांत देखते रहो, पानी आने से मतलब है, मगर पानी का मैंने पूरा सत्यानाश करके ये काम को रख दिए हैं। और जहाँ भी शिकायत करने आए, देखिए सीमेंट यहाँ आज भी एसडीओ साहब आए थे, जस्ट जाने के बाद 5 मिनट के बाद तुरंत यहाँ सीमेंट आया, जमा हुआ सीमेंट आया। जब हम लोग विरोध किए तो जेसीबी चढ़ाने का और धमकी भी मिला हमको कि अगर ज़्यादा इधर उधर करोगे तो बल के साथ पुलिस के साथ यह काम करवाएगा। एसडीओ साहब से कहा जाता है तो बोलते हैं कि अभी चलने दो नया। इस तरीके हम लोग शिकायत आज से नहीं कर रहे हैं, शुरुआत जब नहर का काम हुआ है, तोड़ ताड़ के नहर पहले चल रहा था मगर इन लोग तोड़ने के बाद और पूरा स्थिति कर दी। इस संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि काम तो चल रहा है वहाँ पे, लेकिन रहा सवाल गुणवत्ता का, तो इसके लिए हम विशेष टीम बना के हम भेजेंगे, जो तकनीकी टीम होगी उनके माध्यम से जांच कराई जाएगी। देखिए मैं इस संबंध में तकनीकी टीम के द्वारा जाँच तो करवाऊँगा इसमें, लेकिन जहाँ तक नाबालिग बच्चों की बात है, काम तो उनसे लिया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत है, कोई बात है, तो हम बिल्कुल जांच करके उस पर ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार की आ जाए ये बात स्पष्ट हो जाए, उसके बाद में फिर वैधानिक कार्रवाई जो भी होगा वो किया जाएगा।